मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावन खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने का। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती की मारिफत इंजील उसका 8वां बाब, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और पहली आयत से 4थी आयत तक हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। परमेश्वर के वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जब वह उस पहाड़ से उतरा, मतलब जब प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ से उतर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली। ये भीड़ किसे कहते हैं? एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। भीड़ मतलब इतने लोग जिनको कोई गिन नहीं सकता, उसको हम बोल देते हैं भीड़। जब बहुत ज्यादा लोग हो जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम बोल देते हैं कि एक बड़ी भीड़। तो एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली और उसके आगे लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आके उसे प्रणाम किया। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली और इसमें एक देखने वाली, एक गौर करने वाली बात यह है कि इसमें से, इतनी बड़ी भीड़ में से एक बंदा, सिर्फ एक बंदा आइडेंटिफाई हुआ, एक बंदा, और वो बंदा, वो व्यक्ति एक कोढ़ी था। दूसरे आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आके उसे प्रणाम किया। कोढ़ी, कोढ़, ये किस तरीके की बीमारी होती है? कोढ़, कोढ़ एक ऐसी बीमारी होती है, यदि किसी को कोढ़ हो जाए और उसके हाथ को जला दिया जाए तो उसका पूरा हाथ जल जाएगा और उसे महसूस नहीं होगा। कोढ़ ऐसी भयंकर बीमारी होती है जिससे लोग डरते हैं, यह कोई आम बीमारी नहीं है, एक भयंकर बीमारी उस व्यक्ति को थी। वो बहुत सी परेशानियों में जूझ रहा था, बहुत सी तकलीफों का सामना कर रहा था। जब किसी को कोढ़ हो जाता है, लोग उनके पास आना भी पसंद नहीं करते, ये इतनी भयंकर बीमारी है कोढ़। दूसरी आयत में हमें देखने को मिलता है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आके उसे प्रणाम किया। वो अपनी इतनी भयंकर बीमारी में होने के बावजूद भी उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करना नहीं छोड़ा। लेकिन हम साहब उल्टा करते हैं, जब हमारी जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, हम परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं, हम खुदा का साथ छोड़ देते हैं, हम चर्च जाना बंद कर देते हैं। लेकिन हमें खुदाए कलाम में देखने को मिलता है, एक कोढ़ी ने पास आके उसे प्रणाम किया। यीशु मसीह को छोड़ा नहीं, यीशु मसीह को थामे रखा। लेकिन हमारी जिंदगी में जब परेशानी आती है, हम खुदा का साथ छोड़ देते हैं, हम चर्च जाना बंद कर देते हैं, हम लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल को हम लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन हमें खुदाए कलाम में देखने को मिलता है, उस कोढ़ी ने अपना विश्वास नहीं खोया, चाहे कितनी भी भयंकर बीमारी उसके ऊपर थी। आगे पढ़ेंगे, और देखो एक कोढ़ी ने पास आके उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु। ये प्रभु का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड, उर्दू में कहते हैं आका। तो ये प्रभु का मतलब क्या होता है, आका का मतलब क्या होता है, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? प्रभु मतलब तू मेरी जिंदगी पर प्रभुता करने वाला, मेरी जिंदगी का मालिक, मेरी जिंदगी का खालिक, यू आर माय मास्टर। वो कोढ़ी अपनी इतनी भयंकर परिस्थिति में भी परमेश्वर पर बुड़बुड़ा नहीं रहा, परमेश्वर पर, यीशु मसीह को वो कोस नहीं रहा, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का प्रभुता करने वाला बनाए रखा। लेकिन जब हमारी जिंदगी में परेशानी आ जाती है, जब हमारी जिंदगी में तकलीफ आ जाती है, हम यीशु मसीह के हाथों में अपनी जिंदगी को नहीं छोड़ते, हम यीशु मसीह के हाथों में अपनी जिंदगी को नहीं देते, लेकिन परमेश्वर का हम साथ छोड़ देते हैं। लेकिन इस कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के ऊपर प्रभुता करने का हक दिया। आगे पढ़ेंगे, और देखो एक कोढ़ी ने पास आके उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे।
खुदा कलाम में हमें देखने को मिलता है, उस कोढ़ी ने कहा यदि तू चाहे, उसने प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान दिया। इतनी भयंकर बीमारी में होने के बावजूद भी उसने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी और कहा यदि तू चाहे, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। लेकिन हम उल्टा करते हैं साहब, जब हमारी जिंदगी में परेशानी आ जाती है, जब हमारी जिंदगी में तकलीफ आ जाती है, हम परमेश्वर से लड़ते हैं और परमेश्वर को कहते हैं तू कर, तू करता क्यों नहीं। हम परमेश्वर से लड़ते हैं, लेकिन हमें खुदा कलाम में देखने को मिलता है एक कोढ़ी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को कहा यदि तू चाहे, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं। आगे हमें देखने को मिलता है यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। हमें खुदा कलाम में देखने को मिलता है परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सारी बीमारियों से, सारी बुरी परिस्थितियों से निकलें। यह परमेश्वर की मर्जी है। वो हमें परेशानियों में, तकलीफ में देख करके दुखी नहीं होता। वो चाहता है कि उसके बच्चे, उसके बेटे, उसकी बेटियां इस परिस्थितियों से, अपनी अपनी बुरी परिस्थितियों से निकलें। लेकिन हम निकल नहीं पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम पर परेशानी आती है, जब हम पर तकलीफ आती है, तो हम परमेश्वर को प्रणाम करना छोड़ देते हैं, उसके वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, हम चर्च जाना बंद कर देते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी से परेशानी जाती नहीं है। दूसरा, हम अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, हम अपने तरीके से अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढना चाहते हैं। लेकिन इस कोढ़ी व्यक्ति ने कहा यदि तू चाहे, अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। हम अपनी जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में नहीं सौंपते, परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते। इस वजह से हमारी जिंदगी से परेशानियां कम नहीं होती। हमें आगे देखने को मिलता है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोर से शुद्ध हो गया। तुरंत उसकी परेशानियों में से निकलने को उसको 10 साल नहीं लगे, 5 साल नहीं लगे, तुरंत वो उसी वक्त वहां पर शुद्ध हो गया। क्योंकि उसने अपनी भारी परिस्थिति में, अपनी बुरी परिस्थिति में, अपनी परेशानियों में प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा, उसे प्रणाम करना नहीं छोड़ा, उसकी इबादत, उसकी फरस्तिश, उसकी सिताइश और उसकी हमदोसना करना नहीं छोड़ा, उसने चर्च जाना नहीं छोड़ा, और वो तुरंत कोर से शुद्ध हो गया। चौथी आयत में कुछ इस तरह से लिखा है यीशु ने उससे कहा देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और मूस जो चढ़ावा मूसा ने चढ़ाया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों पर गवाही हो। वो अपनी बुरी परिस्थितियों में था, बुरी परेशानियों में था, और जब वो चंगा हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जाकर के याजक को दिखा ताकि लोगों के लिए गवाही हो। जब अपनी भारी परिस्थिति से, अपनी बुरी परिस्थितियों से, अपनी परेशानियों से निकल जाएं, जब प्रभु यीशु मसीह हमें पूर्ण से चंगाई दे दे, हमें जाकर के लोगों को गवाही देनी है साहब। लेकिन हम डरते हैं, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते, हम यीशु मसीह के बारे में लोगों से बताने से डरते हैं। लेकिन हमें यह परमेश्वर के वचन में देखने को मिलता है कि हमें जाकर के गवाही देनी है। जब परमेश्वर हमें हर परिस्थिति से, अपनी बुरी परिस्थितियों से निकाल दे, बुरी परेशानियों से निकाल दे, हमें जाकर के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। खुदा के कलाम पे पढ़े जाने, सुने जाने, उसकी अमल किए जाने पर बहुत ऐसे आशीष और बरकत हो।